सर लेमन ट्री देखिए। ये सर इसके ऊपर एक मैंने व्यू दिया था इसके पहले भी कि 87 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 87 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हम लोग इसमें पोजीशंस नहीं बनाएंगे। तो अभी का जो पोजीशंस है वो मेरे हिसाब से जब तक 87 क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें पोजीशंस नहीं बनाए मतलब देखने को मिलेगी। तो 70 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के रखो। अगर 78 ब्रेक होता है तो एक बार निकल लो, बाद में अगर 87 का ब्रेकआउट आता है तो आप इसमें पोजीशंस बनाना। देखो इसी थीम के ऊपर मैंने यूनाइटेड स्पिरिट में शॉर्ट कॉल दिया था। मैं थीम बताता हूँ आपको, जनरली थीम कैसे देखते हैं लोग कि अभी 31 का या फिर न्यू ईयर की पार्टी होगी, सब कुछ चीजें होगी, शराब बिकेगी, होटल्स ओपनिंग होगी, ये सब कुछ चीजें होगी, ये सबको मालूम है। और यहाँ पे जो नया ट्रेडर है रिटेल है उसमें ये स्टोरी सुन के यहाँ पे ट्रेड करना चालू कर देगा। और इसी को देख के मैंने मैकडॉनल्ड्स में क्लाइंट्स को पोजीशंस क्या बनाने को कहा, शॉर्ट बनाने को कहा, और उसमें एक छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना था उसी वजह से। तो आपको क्या करना है, जो सबको मालूम है उसके ऊपर नहीं जाना है। आपको क्या देखना पड़ेगा कि रिटेल ट्रेडर ट्रैप कहाँ पे हो रहा है, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, पॉजिटिव न्यूज आ रही है और उसके साथ मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां पे आपको रुकना पड़ेगा। जैसे कि ब्रिटानिया का चार्ट देखो, ब्रिटानिया को 4,500 के आसपास जब एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनी थी। मैं थोड़ा सा आज स्टॉक स्पेसिफिक के बदले थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग स्टॉक्स में फंसे होंगे। तो वहां पे देखो एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनी थी डेली चार्ट के ऊपर और सबको लगा कि यहाँ पे एक स्ट्रांग ब्रेकआउट आया है। और मैंने मेरे स्टेटस में भी कहा था कि ब्रिटानिया में अलर्ट। ये क्यों कहा था कि सबको जो ब्रेकआउट दिखना चालू होता है तब लोग यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रैप होने के चांसेस काफी होते हैं। तो हमें वहां पे एक चीज क्या देखनी पड़ेगी जो मैं हमेशा देखता हूँ कि पहले अटेम्प्ट में कभी भी आपको क्या नहीं करना है, बाइंग नहीं करना है, वेट करो। सेकेंड अटेम्प्ट में अगर ये मार्केट क्रॉस करेगा तो ही आपको क्या करनी पड़ेगी, पोजिशन बाय करनी पड़ेगी। लेमन ट्री 87 रुपीज के ऊपर निकलता है तो ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, बाइंग साइड का पोजिशन बना सकते हैं, 82 रुपीज का स्टॉप लॉस, और फिर से हम लोग इसमें टारगेट देखेंगे 105 से लेके 110 रुपए का। जी तो ये है, लेमन ट्री पे भी राय है, और इस तरीके की एक लर्निंग भी कि किस तरीके से, और ये अक्सर निखिलेश सर बताते रहते हैं कि जब सब लोग कुछ सोच रहे हों तो जरूर उसका उल्टा होना शुरू होता है।